नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। मनुस्मृति चल रहा है। गुरु के साथ शिष्य को कैसा व्यवहार करना चाहिए, अगर ये आप सीख गए तो संसार में श्रेष्ठ लोगों के साथ आपको कैसा व्यवहार करना है ये अपने आप आपको आ जाएगा और आपका जीवन बड़ा ही सरल हो जाएगा। बताया तो गुरु के लिए गया है, लेकिन इन चीजों का ख्याल आप उत्तम जगह अगर नौकरी कर रहे हैं तो अपने बॉस के साथ, अपने उच्च अधिकारियों के साथ, इनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका जैसी योग्यता जिसकी उसके अनुसार आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सीखना तो ये गुरु के पास से ही पड़ेगा। कहते हैं दूरस्थो नार्चयेद एनम, 202 नंबर का श्लोक है कि दूरस्थो नार्चयेद एनम न क्रुद्धो नान्ति के स्त्रिया। भाई कई बार गुरु जी हैं, किसी से कह दिया हमारी तरफ से जाके गुरु जी को प्रणाम कर लेना, किसी से कह दिया हमारी तरफ से गुरु जी को ये संदेश दे देना, इसका निषेध है भैया। अगर आपको कोई बात कहनी है तो स्वयं गुरु जी के पास जाके कहिए, उनको प्रणाम भी करना है तो आपकी तरफ से कोई दूसरा प्रणाम कर लेगा तो थोड़ी चलने वाला है। भाई आपकी जगह कोई दूसरा भोजन करे तो चल जाएगा क्या? जब भोजन आप अपने आप करते हैं तो गुरु के प्रति आदर सत्कार सम्मान प्रणाम या उनसे कोई बात करनी तो भी आपको स्वयं करनी चाहिए, दूसरे के पास से नहीं करवानी चाहिए। गुरु के प्रति कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। कैसी भी स्थिति हो आप गुरु के प्रति क्रोध नहीं कर सकते। और गुरु अगर अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए हैं तो ऐसे में जाकर के आपको गुरु को प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में आप गुरु की पूजा करने के लिए नहीं जाएंगे। उनकी भी एक अपनी जिंदगी है, उनकी भी एक अपनी लाइफ है, आपको फिर ऐसा लगे कि गुरु जी तो ऐसा करते हैं, लेकिन आपके लिए वो गुरु जी हैं, लेकिन अपनी पत्नी के लिए तो वो पति ही है। तो जब गुरु गुरु पत्नी के साथ बैठे हों तो ऐसी स्थिति में उनकी पूजा के लिए नहीं जाना चाहिए। यानासनस्थ चैवेनम अवरुया विवादयेत। मान लीजिए आप अपने आसन पे चले जा रहे हैं, बैठे हुए हैं सिंहासन पे, या मान लीजिए कि आप किसी गाड़ी में जा रहे हैं, आपकी कार चली जा रही है, आपकी मोटरसाइकिल चली जा रही है, गुरुजी आपको बीच में दिख गया, गुरुजी नहीं चलेगा भैया। अवरुही अभिवादयेत, आपको उससे उतर के अपने गुरुजी को प्रणाम करना चाहिए। या तो आप प्रणाम करो ही मत, और नहीं तो अगर गुरुजी आपको दिख गए हैं, आपके मन में उनके प्रति सम्मान है, श्रद्धा है, तो उससे उतर के उनको प्रणाम करना चाहिए। प्रतिवाते अनुवाते चा नासीत गुरुनासा। आप खड़े हैं, गुरुजी भी खड़े हैं, यहां से पवन आ रही है, आपकी तरफ पवन आ रही है, तो आपको गुरुजी के सामने भी नहीं खड़ा रहना चाहिए, तो दोनों लोगों को ऐसे घूमना चाहिए, हवा आपके बीच में से निकल जाए, गुरु की तरफ से आपकी तरफ हवा आए ये भी योग्य नहीं है, और आपकी तरफ से गुरु की तरफ हवा जा रही हो ये तो बिल्कुल ही निषेध है। देखिए आप गुरु जी यहां खड़े हुए हैं और इधर से अगर हवा आ रही है तो आप सामने खड़े हुए हैं, गुरु जी नहीं बदलते हैं, वो वैसे ही खड़े हैं, आप साइड में खड़े हो जाइए फिर उनसे बात कर लीजिए, आप इस साइड खड़े होकर बात कर सकते हैं, सामने खड़े मत रहिए। और गुरु जी यहां खड़े हैं, मान लीजिए हवा इधर से आ रही हो, आप इधर हैं, तो आप बिल्कुल ही वहां नहीं रह सकते हैं, आपको या तो इधर जाना चाहिए या इधर जाना चाहिए और फिर गुरु जी से बात करनी चाहिए। क्योंकि जब सामने हवा जा रही है और आप बोल रहे हैं तो आपके मुंह से जो दुर्गंध सुगंध जो भी आपने खाया होगा वो बाहर आएगा, या कई बार बोलने में थूक वगैरह भी उड़ता है, तो अगर वो गुरु के पास पहुंचता है, गुरु के ऊपर गिरता है, तो ये तो बड़ी ही मतलब बहुत अयोग्य बात है, इसलिए उसका निषेध किया गया। ये भी आपको सिखाया जा रहा है, असंश्रये चैव गुरुर् न किंचिदपि कीर्तयेत। अब आप कुछ कह रहे हैं, गुरु जी को सुनाई नहीं दे रहा और आप बोले चले जा रहे हैं, तो भैया ऐसा भी बोलना व्यर्थ है। गुरु जी ना सुन पाए इस प्रकार से कोई बात उनको नहीं कहनी चाहिए। चलिए आपसे कहा था कि गुरु जी की बराबरी में नहीं बैठा जाता है, पर मान लीजिए कि आप बैलगाड़ी पे बैठे हुए हैं और जाना है आपको कहीं, तो गुरु जी बैलगाड़ी पे बैठ के चल रहे तो आप पैदल थोड़ी चढ़ेंगे, लंबी यात्रा है तो वहां पे साथ में बैठ सकते हैं। घोड़े पे बैठे हैं तो ऐसा थोड़ी कि गुरु जी घोड़े से आ रहे हैं तो आप कहेंगे कि नहीं साहब
हमें तो गधा ला के दो, हम तो गधे पे बैठ के चलेंगे, वो नहीं है। तब आप भी घोड़े पे बैठ सकते हैं। कई बार तो ऐसे आप भी आवश्यकता पड़ सकती है कि एक ही घोड़ा हो और गुरु शिष्य दोनों को जाने का नंबर आए, एक ही अश्व पे। मतलब आजकल तो घोड़ा नहीं, आजकल मोटरसाइकिल है। अगर मोटरसाइकिल से आपको जाना है और गुरु जी को ही लेके जाना है तो आप क्या कहेंगे कि नहीं, अब गुरु जी को तो हम बिठा ही नहीं सकते अपने साथ क्योंकि उनकी बराबरी में नहीं बैठ सकते। नहीं, वहां पे इसका निषेध नहीं है। आप छत के ऊपर हैं, अब गुरु जी छत पे हैं तो आप क्या कहेंगे कि गड्ढा खोदें छत को और फिर उस पर बैठेंगे? नहीं, ऐसे स्थान पे तो कहां कहां बैलगाड़ी है, यहां पे अश्व कहा गया है, उष्ट्र कहा गया है। अब भैया उष्ट्रयान तो आजकल है ऊंट गाड़ी, लेकिन उससे कौन चलता है? घोड़े पे आज कौन सवारी करता है? तो आप इनकी जगह पे आजकल के वाहन लगा लीजिए कि कार हो सकती है, गांव में है कोई ट्रैक्टर भी हो सकता है, बाइक भी हो सकती है, जो भी साधन हो। अगर आप किसी साधन में चल रहे हैं, बस में जा रहे हैं, साथ में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, तो ऐसा भी जरूरी नहीं है कि वो ट्रेन में सीट पे बैठे हुए आप खड़े खड़े यात्रा करें उनके साथ या नीचे बैठे, वहां बराबर में बैठ सकते हैं। प्रस्तरेषु कटेषु च, अब चटाई है तो चटाई आधी ऊंची आधी नीची तो नहीं कर सकते हैं। आप किसी ऐसे जंगल में किसी ऐसे स्थान पे पहुंचे जहां आपके पास एक ही चटाई आपने बिछाई है, गुरु जी उस पर बैठ गए, अब आप जंगल में ऐसे जमीन पे बैठेंगे, ये भी योग्य नहीं है। तो गुरु जी अगर उस समय कहते हैं कि भैया बैठ जाओ यहां पे, तो उस समय उस पे उनके साथ बैठा जा सकता है। ऐसे ही नाव है तो नाव में भी, तो शिला फलक शार्दम आसीत गुरुणा सह, तो गुरु के साथ इन सभी जगहों पे, यानी जहां बहुत आवश्यकता होती है, जहां आप इस नियम का पालन नहीं कर सकते हैं कि आप गुरु से नीचे बैठें, वहां पे उनके साथ बैठने में कोई परेशानी नहीं। गुरु और गुरु सन्निहित, अगर मान लीजिए आप कहीं हैं और आपके गुरु के गुरु आकर के पहुंच जाए, तो भैया अपने गुरु की तरह, क्योंकि जब आपके गुरु उठ के उनका स्वागत करेंगे ना, तो आपको तो सबको उनका स्वागत करना ही पड़ेगा, तो अपने गुरु के समान ही श्रद्धा भक्ति के साथ उनका अभिवादन करना चाहिए। इसके अलावा विद्या गुरु श्वेतदेव नित्या वृत्ति स्वयोनिषु प्रतिषेधत्सु चा अधर्मान हितम चोप दिशत स्वपि। अब ध्यान रखिए कि जो आपके विद्या गुरु हो, जो आपके पिता हैं, जो आपके पिता तुल्य लोग हैं, मामा हैं, चाचा हैं, मौसा हैं, इस प्रकार के जो लोग हैं, जो आपको अधर्म करने से रोकते हो। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे श्रेष्ठ लोग होते हैं जो आपको गलत काम करने से रोकते हैं। अब आपको मालूम पड़ जाए कि भाई ये व्यक्ति तो मेरा बड़ा ख्याल करता है, जो आपको हित का उपदेश देते हो, ऐसे सभी लोगों के प्रति गुरु जैसा आदर का व्यवहार करना चाहिए। श्रेयासु गुरु वृत्तिम नित्यमेव समाचरेत, जो आपसे श्रेष्ठ हैं, जो आपसे बड़े हैं, उनके साथ भी। अब ये बताया तो था कि गुरु के साथ ऐसे व्यवहार करने चाहिए, अब वो कह रहे हैं कि जो भी आपसे श्रेष्ठ हैं। अब देखिए, इसमें आपका बॉस भी आ गया, इसमें आपके घर के बड़े बुजुर्ग भी आ गए, दादा दादी भी आ गए, नाना नानी भी आ गए, माता पिता भी आ गए। तो इन सब के साथ जैसे गुरु के साथ आप व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार से आपको व्यवहार करना चाहिए। गुरु पुत्रेषु चार्येषु गुरुश्चैव स्वबन्धुषु बाला समान जन्मा वा शिष्यो वा यज्ञ कर्मणि। भाई जैसे आचार्य के साथ आप व्यवहार करते हैं ना, ऐसे ही आपको आचार्य के पुत्र यानी गुरु पुत्र के साथ भी व्यवहार करना चाहिए। तो गुरु पुत्र के साथ गुरु जैसा ही व्यवहार करना चाहिए, या गुरु के कोई संबंधी हो, यानी गुरु के कोई रिश्तेदार नातेदार आ गए हों, तो उनके साथ भी गुरु तुल्य व्यवहार करना होता है। बाला समान जन्मावा, गुरु पुत्र आपसे छोटा हो या आपका हम उम्र हो, तो या वो आपके पास से सीख भी रहा हो, तो भी चूंकि वो यज्ञ कर्म करवाने वाला है, इसलिए
गुरु का पुत्र जो है गुरु के समान ही मान पाने का अधिकारी है। यानी गुरु पुत्र को अगर आप शिक्षा दे रहे हैं ना, वो आपके पास से पढ़ रहा है, तो भी आपको उसको सम्मान देना है। गुरु पुत्र अगर आपसे उम्र में छोटा है तो भी आपको उसको सम्मान देना है। गुरु पुत्र आपका हम उम्र है तब भी आपको उसको सम्मान देना है। लेकिन विशेष ये कहते हैं, उत्साधनम च गात्राणाम स्नापनोच्छिष्ट भोजने न कुर्यात गुरु पुत्रस्य पादयोस चावनेजनम। भाई जैसे आप गुरु के चरण दबाते हैं, गुरुजी स्नान करें तो आप उनको रगड़ के मालिश करके स्नान करवाते हैं। हाँ मैंने ये किया है, गुरुजी के शरीर पे तेल लगा के उनके पैरों की मालिश करनी, उनके पैर दबाने, उनकी पीठ वगैरह की मालिश करनी, जो भी बनता था हर तरीके की सेवा किया करते थे, उनको स्नान करवाना। अब स्नान करवाने में क्या है कि पानी ला करके भर के रखा, अगर गर्म करके देना तो गर्म करके दिया, और सारी तैयारियां कर दी, उनके वस्त्र वगैरह रख दिए, वो स्नान करके उठे तो उनके वस्त्रों को धोने का काम करना, वो काम भी किया करते थे। और गुरु का प्रसाद लेने का एक महत्व है। देखिए झूठा हम किसका खाते हैं, हम चाहते हैं कि उसके संस्कार हमारे अंदर आए। तो जैसे हम भगवान का प्रसाद लेते, ऐसे गुरु का प्रसाद भी लेने का विधान है। यहां कह रहे हैं कि गुरु पुत्र के साथ ये व्यवहार नहीं होंगे, यानी उसका जूठा नहीं खाना है, उसके शरीर को दबाना नहीं है, उसके हाथ पैर नहीं दबाने हैं, उसके स्नान वगैरह की तैयारियां नहीं करनी है, और बाकी भी पैर दबा करके और जो कुछ गुरु के समान और जो व्यवहार किए जाते हैं वो व्यवहार गुरु की तरह गुरु पुत्र के साथ नहीं किए जाएंगे। यानी उसको आदर सम्मान तो गुरु के समान दिया जाएगा, लेकिन उसकी सेवा गुरु की तरह नहीं की जाएगी, इस चीज का यहां पे उल्लेख है। चलिए अब गुरु पत्नी के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, इसकी चर्चा अगले वीडियो में हम देखेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास, चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। ये संस्कारों का सिंचन है, मुझे नहीं मालूम पड़ता है कि आपके लिए कितना उपयोगी है या नहीं है, लेकिन चूंकि मैं जब एक लक्ष्य बना लेता हूं तो फिर मैं उसको पूरा करता हूं। मनुस्मृति में जो भी कुछ कहा गया है वो आपके सम्मुख संपूर्ण योग्य व्यवहार और विचार के साथ प्रस्तुत करूंगा। आप भी अगर इसको सुनेंगे तो लाभ अवश्य होगा। पुनः पुनः आप सबका धन्यवाद। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है किया है तो सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ इसको शेयर करें।